myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, Bikaner. Students, आप BSc Part 3 के first paper को पढ़ रहे हैं और हम अपनी third unit का second chapter, जो हम पिछले कुछ समय से continue करने के बाद एक break पे आ गए थे, आज हम उसके दो जो छोटे छोटे topics बचे हुए हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमारा आज पहला टॉपिक होगा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी कि समूह विस्थापन नियम। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन नियम क्या है ये हम आज अपने डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन नियम की जो परिभाषा है वो बड़ी सिंपल सी है। When an radioactive element emits alpha or beta particle, its atomic number changes consequently its periodic place, its place in periodic table changes. And the new position of element can be determined by group displacement law. Radioactive तत्वों के alpha या beta कणों के उत्सर्जन द्वारा बनने वाले नए रेडियोएक्टिव और स्थायी तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो परिवर्तित होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान भी बदल जाएगा। नाउ व्हेन एन एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड व्हेन एन एलिमेंट एमिट्स बीटा पार्टिकल इट एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 increases by 1 and mass number remains unchanged. In 1911, Sodhi studied the disintegration of thorium and suggested that after emission of alpha particle, new element displaces 2 place to the left. And in 1913, Sodhi and Fazan suggested a scheme for the displacement of element in periodic table. कोई तत्व यदि अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा उत्सर्जित करेगा तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंकों की कमी आती है और उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 घट जाता है और इसी के साथ यदि वो बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और उसका मास नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी चीज़ को ध्यान में रख के 1911 में सोडी ने थोरियम का डिसइंटीग्रेशन या विघटन किया या उसकी स्टडी की और ये देखा कि अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद जो नया तत्व था वो 2 स्थान बाईं तरफ खिसक गया। इस प्रकार 1913 में सोडी और फजान ने एक नई स्कीम सजेस्ट की जो कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों के विस्थापन को समझाती है। नाउ अकॉर्डिंग टू देम ऑन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल डॉटर एटम डिस्प्लेसेस 2 प्लेस लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल टू इट्स पेरेंट एटम एंड ऑन एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इट डिस्प्लेसेस 1 राइट प्लेस इन पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। उन्होंने एक जो नियम प्रतिपादित किया उसके अनुसार किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन में एक अल्फा कण के उत्सर्जन से जो उत्पाद बनता है वो आवर्त सारणी में पितृ तत्व यानी कि पेरेंट एलिमेंट के बाईं ओर 2 स्थान पूर्व अपना स्थान ग्रहण करता है और यदि कण बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उत्पाद आवर्त सारणी में पितृ तत्व या पेरेंट एलिमेंट की दाईं ओर एक स्थान खिसक जाता है और इसे ही ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन नियम कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के एमिशन से एटॉमिक नंबर जो नए एलिमेंट का है या डॉटर एलिमेंट का है उसमें 2 अंकों की कमी आती है और एटॉमिक वेट में 4 अंकों की कमी आती है। ये हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ZAM जहाँ Z उसका एटॉमिक नंबर है और M मास नंबर है, तो यदि अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा तो Z -2 हो जाएगा यानी एटॉमिक नंबर -2 कम हो जाएगा और मास में 4 अंकों की कमी आएगी। इसी प्रकार यदि बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा एंड द मास नंबर रिमेंस अनचेंज्ड। ये हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं जहां हमने एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन लिया है। 84 PO 215 यानी कि पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 है और मास नंबर 215 है एक अल्फा पार्टिकल को अपने न्यूक्लियस से उत्सर्जित करता है तो नए बनने वाले तत्व की जो स्थान है पीरियोडिक टेबल में वो क्या होगा। और यहाँ ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि पोलोनियम 6th रूप का एलिमेंट है।
अब यदि अल्फ़ा पार्टिकल का एमिशन हम दिखा रहे हैं तो 84 में से तो 2 माइनस होंगे, यानी कि नया तत्व का परमाणु क्रमांक 82 होगा, और मास में से 4 माइनस होंगे, यानी कि 215 माइनस 4 तो 211 उसका मास नंबर होगा। और ये चूँकि अब 82 है तो ये हमारा 2 स्थान बाईं तरफ खिसका है, इसका मतलब नया तत्व जो लेड है वो पीरियोडिक टेबल की चौथे वर्ग का तत्व है, चौथे वर्ग में उपस्थित होगा। ये कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिनसे हम इसे समझ सकते हैं। अल्फा डीके यूरेनियम के नाभिक से जब हम देखेंगे तो 92 से 90 एटॉमिक नंबर और 238 से 234 मास नंबर हो जाएगा ऑन अल्फा एमिशन। और यदि बीटा एमिशन होता है तो यहाँ लेड में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 82 से इंक्रीज हो जाता है एक डिजिट 1 यूनिट 83 एंड द मास नंबर रिमेंस अनचेंज्ड। तो इस तरह से हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की सहायता से रेडियो एक्टिविटी से बनने वाले नए डॉटर न्यूक्लियाई का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजिशन होगी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इसी से संबंधित एक और अपने टॉपिक पर बात करेंगे और हमारा ये टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़। इसे रीड ना करके मैं आपको सीधा समझाती हूँ कि प्रकृति में जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनका नाभिक अस्थायी होता है। जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो विघटित होते रहते हैं और एक नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है वो दोबारा से विघटित होता है और एक और रेडियो एक्टिव तत्व का निर्माण करता है, और ये विघटन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि स्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्पष्ट है कि एक अस्थायी नाभिक विभिन्न श्रेणियों से विघटित होता हुआ एक स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है, और ये सीरीज़ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ या रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणी कहलाती है। प्रत्येक विघटन श्रेणी के लिए विघटन श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की द्रव्यमान संख्या को एक सामान्य सूत्र 4n+x से प्रदर्शित करते हैं, जहां x का मान हर श्रेणी के लिए अलग अलग हो सकता है, जो 0, 1, 2 या 3 हो सकता है, और n एक पूर्णांक संख्या होती है। मुख्य रूप से रेडियोएक्टिव तत्वों की 4 विघटन श्रेणियां हैं। थोरियम श्रेणी है जिसे 4n श्रेणी भी कहते हैं, नेप्ट्यूनियम श्रेणी है जिसे हम 4n+ श्रेणी कहते हैं, 4n+2 सीरीज़ में आते हैं यूरेनियम की श्रेणी, और 4n+3 में आती है एक्टिनियम की श्रेणी। ये जो चारों विघटन श्रेणियां हैं इसमें थोरियम, यूरेनियम और एक्टिनियम ये तो नेचुरल सीरीज़ हैं, और नेप्ट्यूनियम या प्लूटोनियम की सीरीज़ प्राकृतिक या कृत्रिम श्रेणी होती है, आर्टिफिशियल होती है। यहाँ एक बात आप और याद रखेंगे कि यदि इन श्रेणियों की द्रव्यमान संख्या को 4 से विभाजित किया जाए तो जो पेरेंट एलिमेंट है और उसका जो लास्ट उत्पाद है, जो अंतिम तत्व है, वो समान तरह से विभाजित होते हैं। यहाँ हमने तीनों जो नेचुरल सीरीज़ हैं उनको यहाँ पर एक सीरीज़ के रूप में ही मेंशन किया है। ये सीरीज़ आपको यूँ तो याद नहीं करनी है, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हम जिस सीरीज़ की बात कर रहे हैं उसका पहला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है और वो किन किन तत्वों से, किन किन रेडियो एक्टिव उत्पादों से गुजरता हुआ एक अंतिम उत्पाद तक पहुँच रहा है। हम यहाँ सबसे पहली सीरीज़ की तरफ बात कर लेते हैं, वो है यूरेनियम की सीरीज़। यूरेनियम की सीरीज़ का जो आखिरी तत्व है वो है लेड, यहाँ हमने इस चीज़ को मेंशन किया है, यानी कि यूरेनियम अलग अलग तत्वों से, अलग अलग रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फ़ा और बीटा एमिशन के द्वारा क्रॉस करता हुआ चलता हुआ आखिरी तत्व लेड तक पहुँचता है, जो कि एक स्थायी तत्व है। यूरेनियम का सबसे पहले अल्फ़ा एमिशन है जिससे वो थोरियम में बदलता है, थोरियम बीटा एमिशन से प्रोटेक्टेनियम में बदलता है, ये प्रोटेक्टेनियम बीटा एमिशन से दोबारा यूरेनियम में बदलता है, यूरेनियम से फिर अल्फ़ा एमिशन होता है, थोरियम बनता है, थोरियम से अगेन अल्फ़ा एमिशन से रेडियम, रेडियम के अल्फ़ा एमिशन से रेडॉन, रेडॉन के अल्फ़ा एमिशन से पोलोनियम, और पोलोनियम के अल्फ़ा एमिशन से हमें 2 तत्व प्राप्त होते हैं, लेड और एस्टेटिन। और इन दोनों तत्वों के लेड्स का बीटा एमिशन और एस्टेटिन का अल्फ़ा एमिशन होने से हमें प्राप्त होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ से फिर हमें अल्फ़ा और बीटा एमिशन से पोलोनियम और थैलियम प्राप्त होते हैं। ये पोलोनियम और थैलियम के अल्फ़ा और बीटा उत्सर्जन से हमें लेड मिलता है, और ये लेड अल्फ़ा एमिशन द्वारा
बिस्मित में कन्वर्ट होता है। बिस्मित अगेन अल्फा और बीटा एमिशन के द्वारा पोलोनियम और थैलियम में कन्वर्ट होता है, और ये दोनों अपने अल्फा और बीटा एमिशन से स्थाई लेड में बदल जाते हैं। तो इस तरह से यूरेनियम विभिन्न उत्पादों से गुजरता हुआ एक स्थाई उत्पाद लेड तक बदलता है, और ये पूरी की पूरी जो श्रृंखला है वो यूरेनियम की विक्टन सीरीज़ या 4N+2 श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार से हम एक्टिनियम सीरीज देखते हैं और थोरियम सीरीज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सीरीज़ में एक प्रारंभिक तत्व यानी कि जनक तत्व और उसका अंतिम उत्पाद जो कि स्थाई होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। किस तरह से ये रेडियो एक्टिव सीरीज अलग अलग तत्वों से गुजरती हुई एक स्थाई तत्व पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे आज के जो दो छोटे छोटे टॉपिक थे, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ और ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनसे संबंधित PDF को तो नोट करेंगे ही, आप इस वीडियो को अगर एक या दो बार से ज़्यादा ढंग से सुनेंगे तो आपको बुक से पढ़ने पर ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। हम अपनी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अगला और लास्ट टॉपिक जो कि क्यू वैल्यूज़ और सेपरेशन से रिलेटेड है वो हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।